दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने रोहिणी में स्थित आश्रम आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के अधिवक्ता द्वारा न्यायालय में नारी को नरक का द्वार बताने पर उन्हें अदालत कक्ष से बाहर निकाले जाने का आदेश दे दिया। न्यायाधीश ने अधिवक्ता को भाषा पर नियंत्रण रखने की भी हिदायत दी। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गीता मित्तल और सी हरिशंकर की पीठ ने आश्रम के अधिवक्ता से आश्रम में औरतों और लड़कियों को बंधक बनाकर रखने पर स्पष्टीकरण मांगा था। न्यायालय के प्रश्न के जवाब में अधिवक्ता ने शंकराचार्य के कथन का हवाला देते हुए कहा, नारी नरक का द्वार है। उनके जवाब से नाराज न्यायाधीश गीता मित्तल ने उन्हें संयमित भाषा का उपयोग करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा, ये न्यायालय कक्ष है, ये आपका आध्यात्मिक कक्ष नहीं है। उन्होंने अधिवक्ता को न्यायालय कक्ष से बाहर जाने का आदेश दिया। न्यायालय ने इसके बाद अगली सुनवाई 8 मार्च को करने का आदेश दे दिया और आश्रम से आध्यात्मिक संस्थान के लिए विश्वविद्यालय नाम का उपयोग करने के लिए जवाब मांगा है। न्यायालय ने अधिवक्ता को सभी नियमों का पालन करने के लिए कहा, क्योंकि आश्रम विश्वविद्यालय नहीं है। उन्होंने अधिवक्ता से संस्थान के सभी केंद्रों के नाम और पतों की विस्तृत जानकारी देने का आदेश दिया। इसी दौरान केंद्रीय जांच ब्यूरो ने दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि धार्मिक उपदेश के नाम पर औरतों और लड़कियों को कथित रूप से अवैध तरीके से बंदी बनाने वाले आश्रम के संस्थापक वीरेंद्र देव दीक्षित के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी कर दिया गया। देश और विदेश की हर तरह की न्यूज को हिंदी में सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल लोकमत न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।